दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 25 फरवरी 2024 संडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। पिछले हफ्ते 19 फरवरी से 23 फरवरी तक करेंसीज में कैसे बिहेव किया उसका एक एनालिसिस हम करने का प्रयास करेंगे एंड मंडे ऑनवर्ड्स क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं उसका एक लेखा जोखा। तो डॉलर इंडेक्स जो आपका वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 103.96। यहाँ पे जो वीकली कैंडल बनाया हुआ है वो एक रेड कलर का कैंडल है, दैट मींस द बेयरिश कैंडल, बट द प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड व्हिच मेक द वीकली परफॉर्मेंस ऑफ द डॉलर इंडेक्स ए न्यूट्रल वन। यानी पूरा हफ्ते में जो भी एक्टिविटी हुआ है एक न्यूट्रल कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। डेली में अगर हम देखेंगे प्राइस एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे तो ट्रेड कर रहे हैं लेकिन वीकनेसेस है नहीं, रेदर प्राइस रिजेक्शंस अच्छा खासा रिजेक्शंस हो रहे हैं एट द लोअर एंड। दैट बीइंग द केस डॉलर इंडेक्स एक साइडवेज फेज में रहने का एक्सपेक्टेशन है। साइडवेज ऑन द एज ऑफ नाउ द फर्स्ट सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी योर 103.4050 एंड देन 103.00। ऊपर की तरफ आपका पहला रेजिस्टेंस जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो है आपका 104.70 एंड देन योर 105.20। इस रेंज में नेक्स्ट वीक रहने का एक प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर जो वीकली परफॉर्मेंसेस है इट्स ए रेड कलर्ड कैंडल, मींस बुलिश इन नेचर, बट ऊपर की तरफ जो प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड व्हिच मेक्स द कैंडल लेस स्ट्रॉन्ग बुलिश, सो मॉडरेटली बुलिश वी कैन से। अभी अगर हम वीकली प्राइस को देखने का प्रयास करेंगे काफी समय से ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं बट एक रेंज के अंदर में है। ऑन द हायर साइड 1.2850 एंड ऑन द लोअर साइड 1.252550 के बीच में, सो इसी रेंज में फंसे हुए हैं। सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। प्राइस हैज टू कम आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन। आने वाले दिनों में हमें इंतजार रहेगा क्या प्राइस एक्शन 1.2850 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हैं या 1.25 के नीचे, 1.25 के नीचे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाते हैं, देन एंड ओनली देन हमारा एक अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। अदरवाइज साइडवाइज कंसोलिडेशन में छोटा अप मूव छोटा डाउन मूव के साथ आपका मींस वॉलेटाइल बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर जो वीकली क्लोज दिया है वो है एट 104.98। ये जो वीकली कैंडल है ये आपका एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया हुआ है, सो देखने के लिए ये बुलिश कैंडल है लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड एंड टॉप से ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस करके क्लोज दिया। देयर बाय ये जो कैंडल है ये न्यूट्रल कैंडल में कन्वर्ट हुआ है, यानी प्राइस ना ही मेजर बुलिश होगा ना ही मेजर बियरिश स्टैंड में रहेगा। और प्राइस को हम अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ये सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड दैट मींस द 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर काफी समय से सस्टेन कर रहे हैं। सिंस नवंबर सेकंड हाफ से ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं लेकिन एक रेंज में अटके हुए है। कौन सा रेंज है? ऑन द हायर साइड 106.00 से 106.50 का एक अपवर्ड रेंज है एंड नीचे की तरफ आपका 104.00 का एक सपोर्ट है।
यहां पर भी प्राइस एक रेंज में अटके हुए हैं। जब तक इस रेंज के बाहर प्राइस नहीं निकलते हैं, एक मोमेंटम मिसिंग रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, प्राइस चौपी रहेगी। आप अगर बाई साइड से करोगे ऊपर जाएगा, फिर सडनली नीचे आ जाएगा, नीचे आ रहा है, आप शॉर्ट बनाओगे नीचे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा। आप अगर फिर और भी उसको रन करने का प्रयास करोगे तो एक चेंज इन डायरेक्शंस आ जाएगा, देयर बाय आपका स्टॉप प्रोसेस स्टॉप होने का, हिट होने का प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। सो यहाँ पे रेंज बाउंड वॉलेटाइल चॉपी बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन से जब तक ये रेंज के बाहर जीबीपी आईएनआर बिहेव या ब्रेकआउट आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द डाउनवर्ड साइड ना करे। सिमिलरली यूरो डॉलर जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 101.0817 पे। आप अगर देखोगे ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है, बट वही है प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हाइज। जो प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हाइज है उसके बाद जो क्लोज दिया है मोर देन 50% रिट्रेस करके नीचे क्लोज दिया हुआ है। दैट बीइंग द केस, इसका जो बुलिश नेचर है डाउन साइज हो गया है, यानी यहाँ पे ऑल्दो ग्रीन इन कलर बट नेचर ऑफ द कैंडल इज न्यूट्रल कैंडल, यानी इट्स रेडी फॉर बोथ साइड मूवमेंट। अगर हम यहाँ पे प्राइस देखेंगे, काफी टाइम से ये सेंटर बैंड से ऊपर था, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर था, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से ये सेंटर बैंड के जस्ट नीचे बिहेव कर रहे हैं। ना ही ये डैमेज हो रहा है मेजर, ना ही ये ऊपर की तरफ जाने का मीन सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ पे करंट वीक से पहले का जो 2 हफ्ते हैं वहां पे प्राइस डोजी कैंडल बनाया हुआ है, हैमर टाइप का डोजी कैंडल, यानी नीचे की तरफ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दैट बीइंग द केस 1.07 बिकम्स ए क्रूशियल सपोर्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेली चार्ट में जो प्राइस है वो एक फॉल के बाद, आपका कब से फॉल हुआ था, 28 दिसंबर से एक सेल ऑफ आया था फ्रॉम एन हाई ऑफ 1.114050 से ये लो मारा 1.07 का। अभी ये लो मारने के बाद फर्स्ट टाइम ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है, बट द स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं आ रहे हैं। सो व्हाट इट मींस, यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या कंसोलिडेशन है? ऑन द लोअर साइड 1.07 एंड ऑन द हायर साइड आपका 1.09। सो 07 एंड 09 के बीच में प्राइस थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल रहे हैं, यानी अभी तक का जितना भी एनालिसिस हम कर रहे हैं कि प्राइस एक रेंज में अटके हुए, बी इट डॉलर इंडेक्स, बी इट जीबीपी डॉलर, बी इट जीबीपी आईएनआर, बी इट यूरो डॉलर। सो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलते, हमें ये नहीं देखना कि या क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहे हैं या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए एक रेंज ब्रेकआउट। इस रेंज ब्रेकआउट जब तक नहीं रहेगा तब तक साइडवेज चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूरो आईएनआर में भी हम अगर प्राइस को देखने का प्रयास करेंगे, वीकली क्लोज जो है आपका एट 189.69 पे क्लोज दिया है। कलर ऑफ द वीकली कैंडल इज ग्रीन कलर, सो आप बोलोगे बुलिश कैंडल है, कैंडल इज बुलिश, बट प्राइस रिजेक्शंस जो है फ्रॉम द हाई क्या है, इंट्रा वीक हाई कितना 90.24, उसमें से मोर देन 50% रिट्रेस कर गया, अपना जो जीता हुआ टेरिटरी है उसको लूज कर गया, देयर बाय ये ऑल्दो ग्रीन इन कलर बट न्यूट्रल इन नेचर। अभी ये जो कैंडल बनाया, न्यूट्रल कैंडल बनाया हुआ है, उससे पहले जो 2 कैंडल था वो डोजी कैंडल या हैमर कैंडल था। सो यहाँ पे हमें बुलिश मोमेंटम मिलता अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोज देता, स्ट्रॉन्ग क्लोज बोले तो नियर द हाई ऑफ द वीक में अगर क्लोज देता, नॉट एट द हाई ऑफ द वीक बट नियर टू द हाई ऑफ द वीक अगर क्लोज देते तो वी कुड हैव कंसीडर्ड एज अ मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार होता तो यूरो आईएनआर पे एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन अभी वो नहीं है।
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक प्राइस जो है एक शार्प फॉल किया था। कहाँ से ये फॉल किया था? आपका 925060 लेवल से ये फॉल किया आपका 8890 तक। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, बुलिश कैंडल्स आर मिसिंग। बड़े बड़े लंबे लंबे वीक्स यहाँ पे देख रहे हैं, यानी प्राइस रिजेक्शन द हायर एंड्स। सो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न तो बनाया है, इस रेंज के हाई के ऊपर तो सस्टेन किया 12 फरवरी, लेकिन इसको अगर लॉन्ग बिल्डअप करना है तो यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी ये पहला रेजिस्टेंस टूटा है, दूसरा रेजिस्टेंस टूटने का हमें इंतजार है, तभी जाके हम कुछ बुलिश बायस यहाँ पे बना सकते। नेक्स्ट इज डॉलर येन। डॉलर येन में डॉलर काफी स्ट्रेंथ के साथ क्लोज दिया हुआ है। वीकली क्लोज जो है आपका 150.48। यहाँ पे क्या हो रहा है? येन जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अदर करेंसीज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे येन में फंड विड्रॉ हो रहा है एंड इन्वेस्टमेंट अदर करेंसी में हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अगेंस्ट द आपका येन करेंसी के अगेंस्ट में। अभी नेक्स्ट वीक में आपका इन्फ्लेशन डेटा है जापान का, पॉसिबली आइदर ऑन द ट्यूजडे और वेंसडे कुछ होगा। उस इन्फ्लेशन डेटा के बाद क्या बीओजे अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं? द मोमेंट दे टेक द डिसीजंस, तो येन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अभी ये हो गया वीकली, वीकली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर डेली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो इमीडिएटली जो हाई है 151.5080 का, वो इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि बीओजे मे नॉट अलाउ इट टू फर्दर डिप्रिशिएट बियॉन्ड 152। लेकिन बीओजे क्या स्टैंड लेते हैं उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं येन आईएनआर। येन आईएनआर का वीकली जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया है एट 55.04। काफी सेल ऑफ आ चुका है फ्रॉम एन हाई ऑफ 59.30 टू 55। 4.30 रुपया का एक डाउनफॉल आ चुका है। यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, हमें इंतजार है क्या यहाँ पे बाउंस बैक करते हैं प्राइस, लेकिन उसके लिए एज ऑफ नाउ बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटीज दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्या होगा? डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। यहाँ पे पहले एक, यहाँ पे अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस बन रहा है 55.40। क्या आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्लोज देते हैं? उसके बाद सर्टेन सस्टेंस करने के बाद, सस्टेन करने के बाद ये दोबारा एक रेजिस्टेंस स्विंग हाई बनाएगा। नेक्स्ट अगर उस स्विंग हाई को तोड़ते हैं इन सच ए केस, जेपीवाई आईएनआर में कंसोलिडेशन कंफर्म हो जाएगा एंड वी मे लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी जो आपका वीकली क्लोज दिया है 1.3507 पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्राइस जो है एक रेंज के अंदर में अटक गया। क्या रेंज? नीचे की तरफ 1.3350, ऊपर की तरफ 1.3550 के बीच में और रेंज बाउंड मूव कर रहे हैं। यहाँ पर भी जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर में जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 0.6562। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद बुलिश कैंडल बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हाई ऑफ द वीक के आसपास क्लोज दे नहीं पा रहे हैं। सो हमें और भी कंफर्मेशंस चाहिए। यहाँ पे क्या है हमारा डबल रेजिस्टेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है,
तो पहला रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया है, अभी एक और एक स्विंग बनाना है, स्विंग के हाई के ऊपर तोड़ना है। इन सच केस ऑसी डॉलर में बुलिश बिल्डअप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं सीएनएच। सीएनएच का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 7.1977। लास्ट वीक में वहां पे आपका रेट कट किया है क्वार्टर बेसिस पर, जिसमें दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट द रियल्टी सेक्टर, यानी पीपल शुड स्टार्ट बाइंग द प्रॉपर्टीज। लेकिन वो इमीडिएटली हमें दिखेगा नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्या ये जो इनिशिएटिव पीबीओसी ने लिया है, इज इट रियली इंपैक्टिंग द मार्केट, रियली द बायर्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी सेक्टर, मॉर्गेज सेक्टर और नॉट, उसको हमें थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे प्राइस अभी ऊपर की तरफ 7.2350 एंड नीचे की तरफ 7.15 के बीच में एक रेंज बाउंड मूव कर रहा है, इसको इस रेंज से बाहर निकलने देते हैं। नेक्स्ट इज कमिंग योर ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड जो आपका वीकली क्लोज दिया है वो है आपका, इस चार्ट का कुछ गड़बड़ है, हम ब्रेंट क्रूड फ्यूचर के जगह में ब्रेंट क्रूड स्पॉट चार्ट देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में समहाउ फ्राइडे का डेटा पिकअप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रेंट क्रूड कैश वाला जो क्लोज दिया है एट 80.84, यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। क्या रेंज है? ये एक रेंज है। इस रेंज के बाहर ब्रेंट क्रूड को निकलना है, तभी जाके एक मोमेंटम हो सकता है। क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या क्या ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर यूएस 10-ईयर ट्रेजरी। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी जो है फ्राइडे के दिन में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोज दिया हुआ है। वीकली परफॉर्मेंस जो है वो है आपका, वीकली क्लोज जो दिया है वो है आपका 4.25 में कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे फर्स्ट साइन ऑफ माइनर वीकनेस, मैं मेजर वीकनेस नहीं बोलूंगा क्योंकि जब तक रेट कट नहीं होगा मेजर वीकनेसेस नहीं हो सकता है, तो माइनर वीकनेसेस हो सकता है, उसके लिए डेली बेसिस पे हमें प्राइस एक्शंस को एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन चाहिए, तब जाके एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कमिंग यूएस 2-ईयर ट्रेजरी। जो 2-ईयर ट्रेजरी वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 4.694। ये जो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, स्पिनिंग टॉप कैंडल विथ प्राइस रिजेक्शन ऑन द बोर्ड बोथ द साइड्स, इसका मतलब क्या है? जब तक आइदर हाई को ब्रेकआउट नहीं करते या लो को ब्रेकडाउन नहीं करते, एक साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा डायरेक्शन में जाते हैं। हालांकि फ्राइडे का जो क्लोज है वो एक नेगेटिव कैंडल, लेकिन यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे। कंसिडरिंग दिस इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, लो के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आने का हायर प्रोबेबिलिटी है। अभी आते हैं लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज आवर डॉलर रुपी। डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 82.87 पे। अभी यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है कि काफी कंसोलिडेशन हो चुका है, वीकली पर्सपेक्टिव में देखेंगे एक सपोर्ट लेवल है 82.80। दिस बिकम्स क्रूशियल। यहाँ पे सबका एजम्पशंस क्या है कि इनविजिबल हैंड्स विल डिफेंड डॉलर। इसके ऊपर दो पॉसिबिलिटीज है, दे आर गोइंग टू डिफेंड द लेवल और दे विल टेक ए पॉज। इफ दे कंटिन्यू टू डिफेंड द लेवल, इन सच ए केस क्या हो सकता है, अगेन डॉलर रुपी में मूव हायर टूवर्ड्स 83 और 83.10 की तरफ। इन केस द इनविजिबल हैंड्स टेक ए डिसीजन कि अभी इस लेवल पे हम डिफेंड नहीं करेंगे, देन देयर मे बी अ शार्प डाउनवर्ड मूव
टूवर्ड्स 82-40, 82-50, ये वाला लेवल के तरफ हो सकते हैं। अभी हमें मंडे अनवर्ड्स ये देखना है कि इनविजिबल हैंड्स क्या करते हैं। अगर हम डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे तो हम क्या देखेंगे, अब देखो सिंस दिसंबर फर्स्ट वीक जो प्राइस का हाई है कंटिन्यूअसली लोअर हाई पे बन रहे हैं, हाईज आर कमिंग डाउन बट द लो इज फिक्स्ड, देयर बाय एक प्राइस कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। ये प्राइस कॉन्ट्रैक्शंस जितना ज्यादा होगा उस उतना ही एक वॉलेटाइल मूव देने के लिए ये तैयार हो रहा है। ये वॉलेटाइल मूव कौन सा डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा वो डिपेंड कर रहा है, क्या इनविजिबल हैंड्स 82.80 को कीप ऑन डिफेंडिंग द लेवल्स और अगर नहीं तो एक शार्प डाउन मूव टूवर्ड्स 82-40, 82-50 इज एक्सपेक्टेड। अगर कीप्स ऑन डिफेंडिंग द लेवल इन सच ए केस फर्दर कंसोलिडेशन के बीच में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर्टेन ट्रिगर्स, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रिगर हो या ग्लोबल ट्रिगर हो, चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड ट्रिगर हो या जियोपॉलिटिकल रिलेटेड ट्रिगर्स हो, उस ट्रिगर का इंतजार करेगा एक ब्रेकआउट करने के लिए। कौन सा डायरेक्शन में वो डिपेंड कर रहे हैं, एक तो इनविजिबल हैंड्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ये है कि ये जियोपॉलिटिकल या डोमेस्टिक, जियोपॉलिटिकल डोमेस्टिक एज वेल एज द ग्लोबल जो ट्रिगर आने वाले, पॉजिटिव ट्रिगर भी हो सकते हैं, नेगेटिव ट्रिगर भी हो सकते हैं, उस ट्रिगर के ऊपर ही बेसिस करके ये एक स्क्वीज ब्रेकआउट करेगा, उस टाइम पे हमें तैयार रहना है। अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन जब भी होगा, फ्रस्ट्रेशन जब भी एक एक्सट्रीम लेवल पे होगा, उस एक्सट्रीम लेवल के बाद प्राइस एक धमाके के साथ ब्लास्ट करेगा, ब्लो आउट करेगा। नाउ वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट क्या ये ब्रेक आउट नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि माइटी इनविजिबल हैंड्स अपना लेवल जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। प्राइस का इंडिकेशंस क्या है, प्राइस का इंडिकेशंस शॉर्ट टर्म पे नीचे की तरफ एक डाउन मूव करने का है टूवर्ड्स 82-40, 82-50, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। क्या कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस यही है कि इनविजिबल हैंड्स अपना क्या स्टैंड लेते हैं। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। वीकेंड में आप लोग रेस्ट एंड रिकॉपरेशन कीजिए, खुद को एनर्जाइज कीजिए, खुद को रिगेन कीजिए एनर्जी के साथ, सो दैट मंडे ऑनवर्ड्स आप दोबारा मार्केट को with full energy, with full vigor, with full potential के साथ face करने के लिए तैयार हो जाए। Bye bye, thank you.